मेयो में नर्सिंग स्टाफ की कमी के बावजूद नया वार्ड शुरू किया जा रहा है, इससे नर्सों में असंतोष बढ़ गया है। प्रशासन के इस निर्णय के खिलाफ मंगलवार को उन्होंने अचानक काम बंद कर दिया। आंदोलन में अस्पताल की 150 से अधिक नर्सों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मेयो के अधिष्ठाता डॉक्टर संजीव बिजवे से मुलाकात कर उन्होंने समस्या से अवगत कराया। अधिष्ठाता द्वारा नर्सिंग स्टाफ भर्ती करने का आश्वासन मिलने के बाद ही नर्सों ने आंदोलन वापस लिया। इस दौरान मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मेरा नाम अनुप भोयर है, मैं अधिपरिचारिका इस पद पे यहाँ पे कार्यरत हूँ। ये जो आज की जो स्ट्राइक है, मतलब स्ट्राइक मतलब काम बंद आंदोलन कर रहे हैं हम लोग। एक काम बंद आंदोलन इसलिए है कि न्यू वार्ड यहाँ पे ओपन किए जा रहे हैं, जबकि स्टाफ नर्सेस की यहाँ पे बहुत कमतरता है। जहाँ यहाँ पे 396 पद यहाँ पे सैंक्शन है, लेकिन यहाँ पे 281 ही पद यहाँ पे मतलब यहाँ पे अभी नर्सेस कार्यरत है, उसके बावजूद भी एक्सेसिव बेड डाल के, जैसे फॉर एग्जांपल कल रात को एक हमारे मैडम को फोन आया, कल रात इन्होंने मीटिंग ली, इसमें ठहरा कि एक वार्ड अपने को शुरू करना है, उसमें वार्ड उन्होंने शुरू किया, पेशेंट भी भरना चालू कर दिया, उस वार्ड में पेशेंट भरना चालू किया इन लोगों ने, जिस वार्ड में इंजेक्शन नहीं है, मेडिसिन नहीं, कुछ भी वहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल है पेशेंट को देने के लिए। उसके बाद में एक स्टाफ को वहाँ पे, एक नर्स को वहाँ पे बैठा दिया, वो आप पेशेंट को देखो, अगर उस टाइम पे उस पेशेंट को, पेशेंट भी मेडिसिन वालों के थे, अगर उस टाइम पे अगर एक आधी पेशेंट को अगर कुछ हो जाता तो उसके लिए जवाबदार कौन रहता था। अभी जैसे बाहर के इसमें जो भी कुछ माहौल होता है तो सबसे ज्यादा नर्सेस को क्या करते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, फिर वाले इंक्वायरी उन पे बैठती है। लेकिन यहाँ पे गलती किसकी है, ये प्रशासन की गलती है। उसके बाद में बाकी के जो वार्ड है, जहाँ की वार्ड की लिमिट, यहाँ एक सब यहाँ पे एक वार्ड में 5 नर्सेस काम कर रही है, जबकि और उस वार्ड में 40-40 पेशेंट है, जबकि वो वार्ड में एक जब 40 पेशेंट रहते, 3 पेशेंट के पीछे एक नर्स होने चाहिए। एमसीआई के आज जो है ना, आज जो भी पूरा इन लोगों ने जो वार्ड चालू किया वो एमसीआई के राउंड के हिसाब से किया। जब एमसीआई के राउंड ये लोग फॉलो नहीं कर रहे, रूल्स के नॉर्म ही नहीं चालू फॉलो कर रहे, तो फिर एमसीआई के राउंड लेने से क्या फ़ायदा है। और यहाँ पे न्यू ये पोस्ट क्रिएट कर जा रही है, लेकिन नर्स के तरफ किसी की ध्यान नहीं दे रहे, नर्स की जो मांग है, जबकि नर्सेस की इतनी बड़ी, हर नर्स किसी ना किसी डिसीज से सफर हो रही है यहाँ पे, इसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और जबकि यहाँ पे लीव भी उन लोगों चाहे तो लीव नहीं होना, किसके लिए होना, क्यों होना, और लेकिन ये जो है, यहाँ तक कि जो वीकली ऑफ है स्टाफ का, वीकली ऑफ भी ये नहीं हो रही है। मैं या पद्धति नहीं वागत असेल तर इथे हे आंदोलन असत चिघळलेला राहील। आज आकृती बंद जर डीननी केला असेल तर तो संघटनेला द्यावा, त्यानुसार जर स्टाफ भरल्या जात असेल तर आम्ही आमचं आंदोलन मागे घेऊ, अदरवाइज आमचं आंदोलन चालू राहील। मेयो में पिछले वर्षों से मेन पावर की कमी बनी हुई है, इस बारे में सरकार का ध्यान कई बार आकर्षित कराया गया, लेकिन प्रशासन ने कभी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया ही नहीं। मेयो में अधिकृत 564 बेड मंजूर है, इसके लिए 396 पद मंजूर है। वर्तमान में 223 नर्सेस सेवा में कार्यरत है, 115 पद अब भी खाली पड़े हैं। पिछले 5 वर्षों से बेड की संख्या 1000 से ज्यादा हो गई है, इसके बाद भी नर्सों की संख्या जितनी की उतनी ही है। इतनी कम नर्सों में मरीजों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी निभाई जा रही है। दरअसल जब भी एमसीआई का दौरा होता है तब नया वार्ड शुरू किया जाता है, इसके लिए सभी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।